हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, हम हैं आयुषी। तो आज है हमारा मलेशिया कुआलालंपुर में आखिरी दिन। बहुत ही सैड डे है, बट हम सैड नहीं हैं क्योंकि ट्रिप इज़ नॉट ओवर येट। यस, हमारा वेकेशन अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। हाँ, बस कुआलालंपुर का वेकेशन टाइम आउट हो चुका है। तो 3 दिन के वीडियोज़ में हमने आपको शेयर नहीं किया कि रिगालिया होटल जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं वो हमें ब्रेकफास्ट में क्या सर्व करते हैं। जी हाँ, होटल के रूम के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। सो हम आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते थे। तो आज है हमारा आखिरी ब्रेकफास्ट और इसी के साथ हम आपको थोड़ा सा नीचे का एंट्रेंस का व्यू भी दिखाएंगे कि हमारा एंट्रेंस होटल का कैसा है। बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये है रिगालिया होटल का, होटल के अंदर का एंट्रेंस और ये है आउटसाइड। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का एंट्रेंस का होटल का, बट हमें एक भी दिन टाइम नहीं मिला कि हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा सके या कुछ वीडियोस बना सके। जैसे कि आज आखिरी दिन है, हम वेट कर रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट टाइम का। सो अभी थोड़ा टाइम है इसीलिए ये वीडियो शेयर कर दे रहे हैं। हमारे होटल के बगल में ही 2 स्टोर है जहाँ पे जैसे 7-Eleven टाइप का होता है वैसे यहाँ पर भी है, जो कि 24/7 खुला रहता है। जैसे हमें पानी या कुछ भी स्नैक्स वगैरह चाहिए तो हम लोग यहाँ पे आके ले लिया करते थे। तो आपको दिखा दे ये स्टोर, एक थोड़ा अंदर की साइड में है। और ये है ऊपर से पूरा हमारा होटल जो कि है 38 फ्लोर तक। पानी के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कैसा लगा आपको नीचे का हमारा व्यू? अंदर में व्यू नॉर्मली है। अब हम लोग नीचे आ गए हैं तो वापस अब ऊपर जा नहीं सकते शूट करने, बट ओके टाइप है। और हमारा होटल का नाम है अपर व्यू रिगालिया। बहुत ही बढ़िया होटल है, रूम्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे थे। अच्छा लाइक स्पेशियस रूम था, लाइक हमारे पास 3 सूटकेस थे तो बहुत ही अच्छा स्पेस था रखने के लिए। वार्डरोब वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ था। तो अब आपको लेके चलेंगे हमारे ब्रेकफास्ट काउंटर के पास और दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट सेक्शन। ब्रेकफास्ट बफे, तहतारी प्लेस सिग्नेचर। अभी तो बज रहे हैं करीब सुबह के 7:30। मन कुछ खास है नहीं खाने का, पर जैसे कि हमें अभी होटल
छोड़ना है सो कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ये है हमारा पूरा रेस्टोरेंट का व्यू जहाँ ब्रेकफास्ट होता है। तो मैंने दिया है इनको ब्रेकफास्ट का कूपन जो हमें ऑलरेडी एक ही बार में 4 दिन का मिल गया था। ओके सो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है बेक्ड बीन्स एंड स्क्रैम्बल एग्स। ये है ब्रेड टोस्टर, अगर आपको ब्रेड टोस्ट करके खाना है तो यू कैन हैव इट। यहाँ है वैरायटीज ऑफ जैम्स और बटर। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो होगा। सो ये है टी कॉफ़ी सेक्शन। तो यहाँ पे ये है टी और ये है कॉफ़ी और ये है ब्राउन शुगर, दिस इज़ वाइट शुगर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुगर दोनों अलग अलग दिया हुआ है और उसके लिए मिल्क हम यहाँ से लेंगे। ये है कॉर्नफ्लेक्स काउंटर, बच्चों के लिए चॉकोज वगैरह जो होता है वो है। इसका भी सिस्टम बहुत बढ़िया है खोलने का, अगर हम इसे घुमाते हैं तो नीचे से कॉर्नफ्लेक्स वगैरह निकलता है, तो उसके लिए बाउल और स्पून वगैरह यहाँ रखा हुआ है। और ये है हमारा मेन काउंटर। तो ये है चिकन सॉसेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके तो मज़े ही हैं। ये है हैश ब्राउन, वाओ ग्रेट, ये बहुत पसंद है हमें। ये है राइस पॉरेज, ये हम अभी तक खाए नहीं हैं। ये वैरायटीज ऑफ सॉसेज, ये बीन्स राजमा है, एग्स है, सॉसेस है, स्पेगेटी, वाओ। ये है नूडल्स, ये भी है नूडल्स, दो वैरायटी ऑफ नूडल्स हैं। आई गेस इसमें आज एग नहीं, ये भी वेजिटेरियन ही है। एंड रोटी विथ दाल जो यहाँ का फेमस है, जो हम 4 दिन से खा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, रोटी एंड दाल। और यहाँ पे है ये काउंटर, साइड काउंटर, सैलेड काउंटर। ये है लहसुन की खट्टी मीठी चटनी, एग्स, क्यूकम्बर, राजमा और भी कुछ है। और ये है फ्रूट्स में वाटरमेलन। और ये है यहाँ पे सैंडविच। तो आज का काउंटर कुछ ज़्यादा ही है एक्चुअली, अच्छा है। हम 3 दिनों से कुछ घिसा पीटा दाल रोटी ही खा रहे हैं ना। आपको मैंने दिखा दिया है और अब मैं भी अपनी प्लेट सजा ली दी हूँ और चलती हूँ क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है, 8 बजे हमें यहाँ से निकलना है। तो ये है मेरी प्लेट, मैंने दिया है हैश ब्राउन, रोटी, थोड़े फ्रूट्स और दाल। तो शुरुआत हम करने वाले हैं पहले कुछ फ्रूट्स से। दिन की पहली शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो आ गई है हमारी कैब हमें लेने के लिए और अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट की तरफ। सो अब नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, उसके लिए व्लॉग तो पूरा देखना पड़ेगा ना। सो व्लॉग पे बने रहिएगा और इसी व्लॉग पे रिवील करेंगे कि नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा कहाँ का होने वाला है। तो पहुँच गए हैं हम कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं और वेब चेक इन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आराम से सुस्ता के हम लोग सारा काम निपटा के बैठे हैं।
चेक इन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। अब 2 घंटे बचे हैं हमारे फ्लाइट को, तो अब 2 घंटे टाइम पास करना हो गया है मुश्किल। फ़ोन की बैटरी भी उतनी नहीं है, तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं फुकेट थाईलैंड। तो हमारा नेक्स्ट 7 डेज का ट्रिप है थाईलैंड में, इसलिए मन उदास नहीं है। अगर घर जाना होता तो शायद मन उदास हो जाता, क्योंकि वहाँ जाके फिर बैक टू डेली लाइफ। क्या करना होगा फिर वहाँ पे घर जाके? क्या करना होगा? दाल चावल बनाओ। दाल चावल बनाओ, किचन में काम, घर का काम, सब काम करना होगा। कोई बात नहीं, 7 दिन है, बट वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और बीच बीच में वेकेशन भी ज़रूरी होता है, और अपना घर तो अपना ही होता है। तो अभी बज रहे हैं करीब 10:30, बजने को है, बजे नहीं है, 12:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी, और वहाँ से हम लोग लैंड करेंगे सीधा फुकेट एयरपोर्ट में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा थाईलैंड का व्लॉग, मलेशिया का व्लॉग यहीं पर होता है एंड। तो बाय मलेशिया। अभी फ़िलहाल तो मलेशिया के एयरपोर्ट में ही बैठे हैं, यहाँ से अलविदा लेने का टाइम आ गया है। तो बाय मलेशिया, होप टू सी यू सून। बाय बाय।